हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का एक अपनी नेचर है, अपनी तरीकेकार से आप अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आप पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के मसले हैं, सोशल प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी, इकोनॉमी है, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ उसको आधे घंटे के अंदर, घंटे के अंदर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं? नहीं, यू नीड टू गो बैक वेरी बिहाइंड समझने के लिए कि मसले कहां से ओरिजिनेट हुए थे, कहां कहां पे क्या क्या कुछ हुआ है, आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप उसके अंदर कोई रीजनल एग्जाम्पल भी लेके आएंगे कि यार इसी खित्ते का एक और मुल्क जो है वो तरक्की कर गया, इसी खित्ते का सेम मुल्क जो है वो रिवर्स गियर में चल रहा है, तो क्या वजह हो सकती है कि वो आगे चले गए, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें इनहिबिट कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि ये सारे जो आपका सवाल है ना, आई वेरी वेरी वेल अंडरस्टैंड, आज से 5-6 साल पहले मैं ये बिल्कुल पूछता था, लेकिन ये सारे खुद ही आंसर होने लग जाएंगे जब आप इस प्रोसेस के अंदर जाओगे, ये खुद ही आपको समझ आ जाएगा, खुद ही ये प्रोसेस जो है ना आपको हर चीज सिखा देता है, गिवन कि आप एफर्ट करें। अगर एफर्ट ना करो फिर तो हर चीज परफेक्ट होती है। आपने एक टॉपिक उठाया डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी के मुतल्लिक आपने देख लिए कि पहले इंग्लिश ऐसे की बात करते हैं कि पहले किस किस डायमेंशन में वो पूछ चुका है, वो डायमेंशन तो आप रेडी करेंगे, लेकिन उसके बाद जो उसने डायमेंशन अभी नहीं पूछी तो वो आपका अगला सिलेबस है। ठीक है, डेली पढ़ना है, अगर ये हैबिट है टिक कर बैठ सकते हो और दोस्तियां बहुत ज्यादा है और उसको खत्म करके थोड़ा सा 8-8 घंटे दे सकते हो अपनी स्टडी को, यू आर गुड टू, क्योंकि जब ये चीज आपके अंदर डेवलप हो जाएगी ना तो उसके बाद आप लिखना भी खुद शुरू करोगे। तो मुझे अगर एक पॉइंट पता है ना तो मैंने सिर्फ वहां पे जब मैं नोट्स मेक कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तो मैं उधर एक पॉइंट लिख दूंगा, तो मुझे पता है उसका पूरा अंडरलाइन वाक्य मुझे पता है जब मैं अपने नोट्स कर रहा हूँ, बट यू डू नॉट नो दैट। तो आप लोग अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाओगे तो स्टॉप आस्किंग फॉर द नोट्स, फर्स्ट थिंग अपने नोट्स आप लोगों ने खुद बनाने, तो जो पहले आपके नोट्स बनेंगे वो होंगे डिटेल्ड नोट्स। अच्छा।